हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे फीमेल ब्रेस्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कौन कौन सी मेथड यानी प्रोसीजर या सर्जरी करते हैं। जनरली दो तरह की सर्जरी होती है, एक फैट के थ्रू हम लोग ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाते हैं और दूसरा सिलिकॉन मटेरियल रहता है, जो बने हुए इम्प्लांट्स रहते हैं वो हम लोग ब्रेस्ट में डालकर उसकी साइज को इंक्रीज करते हैं। दोनों को पहले एक्सप्लेन में मैं बताऊंगी आपको कि हम लोग एक्चुअल में दोनों प्रोसीजर में करते क्या हैं। पहले ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग पर आते हैं। आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें फैट डालते हैं। इसमें सबसे पहले हम बॉडी के उन पार्ट्स को कॉम्बिनेशन में पार्ट, जैसे किसी का टमी हो गया, हिप हो गया, थाई हो गया, या फिर किसी के ओनली टमी से, जितनी मात्रा में हमें एक्चुअल में फैट चाहिए रहता है बॉडी के अनादर पार्ट से हम लोग निकाल कर और उसे उस फैट को लाइपोसक्शन की मेथड से जनरली हम निकालते हैं, जिसके बाद हम उस फैट को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जो सेंट्रीफ्यूज के बाद फैट रहता है उसी को हम लोग ब्रेस्ट के अंदर डालते हैं। ये फैट खुद ही की बॉडी का रहता है तो इसमें किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बट इस प्रोसीजर में एक बात यह रहती है कि बॉडी के अदर पार्ट से लाइपोसक्शन करके फैट निकालना है तो बॉडी के अदर पार्ट में फैट होना जरूरी है। सेकेंड, ब्रेस्ट इम्प्लांट या सिलिकॉन इम्प्लांट के थ्रू जो हम प्रोसेस करते हैं ब्रेस्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए, जनरली ये उनके लिए ज़्यादा ही बेस्ट होती है जो एक्चुअल में ब्रेस्ट की साइज को ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं। इसमें हम लोगों के पास जितना भी साइज का आप ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज, हम लोग जितनी भी साइज का ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज करना चाहते हैं वो बॉडी के वेट हाइट के अकॉर्डिंग जो साइज पेशेंट के लिए कंफर्टेबल रहता है वो हम यूज कर सकते हैं। इसमें वो पेशेंट के लिए भी ज्यादा सही रहता है सिलिकॉन इम्प्लांट से ब्रेस्ट की साइज को इंक्रीज करना, जिसमें बॉडी वेट कम होता है, फैट नहीं होता है, ऐसे केसेस में भी बहुत सही प्रोसीजर है ये। दोनों का आपको एक्सप्लेन में मैंने बताया कि किस तरह से हम लोग करते हैं। सेकंड, ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग में कुछ अमाउंट में फैट एब्जॉर्ब होता है क्योंकि वो खुद ही की बॉडी का फैट रहता है, बॉडी के अदर पार्ट से। इन फ्यूचर आप अगर स्लिम होते हैं, आपका वजन कम होता है तो ब्रेस्ट में से भी फैट कम होगा, और जनरली सर्जरी के बाद भी जब फैट ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर किया है तो महीने दो महीने के बाद जो हमने अभी किया है वो स्टेबल हमेशा नहीं रहता है, साइज थोड़ा बहुत कम होता है। साथ ही अगर इसी मैटर पे हम सिलिकॉन इम्प्लांट का देखें तो लॉन्ग लाइफ तक जो साइज हमने डाला है वही रहेगा, ना ही सिलिकॉन इम्प्लांट श्रिंक होते हैं ना ही अपने साइज से ज़्यादा बड़े होते हैं, जो साइज हमने डाला है वो ऑलवेज वैसा ही रहता है। तो गाइज दोनों प्रोसीजर के साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं या फिर सर्जरी के बाद क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है पेशेंट को, इसके बारे में बात करूंगी। ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग में जनरली सर्जरी के बाद ब्रेस्ट में स्वेलिंग रहती है और फैट ग्राफ्टिंग के बाद लंप भी बनने के चांसेस रहते हैं, पर इन सब का ट्रीटमेंट होता है, यानी ये कोई परमानेंट नहीं रहता है, टेम्पररी रहता है। दो तीन हफ्ते में फैटी लंप्स वगैरह भी डिसॉल्व हो जाते हैं, जो फैट ग्राफ्टिंग के बाद जिस भी एरिया से फैट निकाला है वहाँ पे भी थोड़ी स्वेलिंग रहती है, तो वो टाइम के साथ साथ दो तीन हफ्ते में चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। सेकंड, ब्रेस्ट सिलिकॉन के साथ जो हमने साइज को इंक्रीज किया है वो प्रोसीजर में भी एक से डेढ़ हफ्ते तक जो है ब्रेस्ट में स्वेलिंग रहती है, धीरे धीरे करके नॉर्मली जो फीमेल्स के ब्रेस्ट में सॉफ्टनेस रहती है वो आ जाती है। सेकेंड, अगर देखा जाए तो सिलिकॉन इम्प्लांट वाला प्रोसीजर इजी प्रोसीजर रहता है, 1.5 आवर का प्रोसीजर रहता है, सेम डे शाम में छुट्टी हो जाती है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, पेशेंट डेली रूटीन का सारा वर्क नेक्स्ट डे से कर सकता है। दोनों प्रोसीजर में स्पेशली ज़्यादातर हमारे जो पेशेंट है वो सिलिकॉन इम्प्लांट की तरफ आते हैं, रीज़न क्योंकि एक स्टेबल प्रोसीजर है और लॉन्ग लाइफ इसका रिजल्ट स्टे रहता है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट्स के सवाल आते हैं क्या सिलिकॉन इम्प्लांट से कैंसर होता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब जेनेटिकली अगर किसी तरह के पेशेंट के परिवार में कैंसर के चांसेस है तो वो उसको जनरली होंगे, बट ये हमारी सिलिकॉन इम्प्लांट से कोई चेंजेस नहीं होते हैं या कोई कैंसर जैसी चीज़ें डेवलप नहीं होती है। सिलिकॉन इम्प्लांट काफ़ी हाई क्वालिटी का रहता है, FDA अप्रूव्ड रहता है,
लॉन्ग लाइफ ये बॉडी में स्टे करता है। सो गाइज ये डिफरेंस थे। इसके अलावा आपको कुछ भी अगर इस चीज़ के बारे में और पूछना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे बात करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।